1000 साल पुराण मंदिर है। कुंजल माता की शादी हो रही थी, तब क्या ऐसा क्या हुआ था कि माता धरती के अंदर समाहित हो गई? इसका क्या रहस्य और राज है? चलिए हम पंडित जी के मुख से सुनते हैं। जात रंग पड़तो जब मस्त रहे, कोई दाद बीमारी कष्ट मेटे, जना माता की झाड़ू चाड़ू पड़े जी। कुंजल माता के मंदिर के अंदर का दृश्य आप जो देख रहे हो अच्छी तरह से किस हेलो गाइज, कैसे हो? मैं उम्मीद करूंगा कि आप एकदम मस्त होंगे। गाइज, आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक और आकर्षक वीडियो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आया हूँ श्री कुंजल माता के मंदिर में डे। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना कि देवी में ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि शादी के वक्त ही पृथ्वी में समा गए। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना कि देवी शादी के दिन ही जमीन में समाहित हो गई। चलिए मंदिर की ओर दर्शन करते हैं। और आप जो पीछे देख रहे हो मंदिर के ओर टिन सेट लगे हुए, ये वीडियो बहुत ही खतरनाक और आकर्षक वीडियो होने वाला है। चलिए मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। गाइज, जब आप रोड से आएंगे तब आपको सामने ही रोड पर बोर्ड मिल जाएगा श्री कुंजल माता का मंदिर, और ये पास में भी आप इस प्रकार से देखोगे तो ये है मुख्य गेट माता कुंजल माता का मंदिर। चलिए मंदिर की वीडियो होने वाला है जो पारिकों की कुल देवी के रूप में आज भी पूजनीय है। और आपको इस मंदिर की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और इस गाइज, ये मंदिर नागौर डिस्ट्रिक्ट के जैल तहसील में डे कस्बे में स्थित है। या आप मंदिर देख रहे हो, यहाँ पर जो लगे टिन सेट, और आप चलिए मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। और गाइज, ये वीडियो बहुत ही खास और आकर्षक वीडियो होने वाला है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख के चलिए मंदिर की ओर दर्शन करते हैं। गाइज, ये आप देख रहे हो कुंजल माता का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, यही मंदिर है और आसपास के ये नज़ारे मैं आपको दिखा देता हूँ। और पीछे की ओर यहाँ सितर कमरे जो आपको रहने के लिए मिल जाएगी एकदम, यहाँ पर खाना रहना सब कुछ फ्री मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और सामने जो आप टिन सेट लगा हुआ है, इसके अंदर कमरे है, आपको यदि आप दूर दराज कहीं से भी हो यहाँ पर रह सकते हो। गाइज, एक बात और बता देता हूँ कि ये मंदिर आप जो पीछे देख रहे हो, यहाँ पर इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर सौरव जोशी आए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है, इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर सौरव जोशी भी यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के लिए आए थे। चलिए मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। और जो पीछे की ओर टिन सेट लगे हुए आपको मिल जाएंगे। और गाइज, आपको यहाँ पर पीने का पानी मिल जाएगा, हाथ यहाँ पर हाथ धो सकते हो। और चलिए मंदिर की ओर, और जो आप सामने देखो किस प्रकार से टिन सेट लगा हुआ है, और ये मंदिर की ओर चलते हैं। ये है आप सामने देख रहे हो कुंजल माता का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, और पास में लगा ये टिन सेट, और आसपास के ये नज़ारे इस प्रकार से। गाइज, ये है मंदिर आप सामने देख रहे हो श्री कुंजल माता का मंदिर, और ये पास में लगे हुए दिशा निर्देश देख सकते हो। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि पारिकों की कुल देवी के रूप में देवी को पूजा जाता है। ये आप मंदिर के घंटी लगे हुए है, और ये मंदिर के आप सामने के नज़ारे देख सकते हो। और ये पास में भी दिशा निर्देश लगे हुए कि श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अपने सामान की संभाल खुद कीजिए, मंदिर कर्मचारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और यहाँ पर आपको रात्रि में रुकने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। गाइज, ये आप देख रहे हो जस्ट जो नागौर लाडू सुजानगढ़ हाईवे रोड है, इसके पास में भी आपको मंदिर मिल जाएगा। और यहाँ पर आप रात में भी रुकने की व्यवस्था, सामने धर्मशालाएं बनी हुई है, आपको रुकने की आपको व्यवस्था मंदिर की ओर से की जाती है। और ये वीडियो देख रहे हो मंदिर के सामने की ओर से डे सिक। और गाइज,
गाइज अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं और जो यहाँ पर लगा हुआ है और ये दो नंबर घंटी आपको सुनाई दे रही है और ये मंदिर की ओर आप देख सकते हो मंदिर किस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत आकर्षक मंदिर है। यहाँ के आसपास के लोग तो यहाँ पर आते ही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर सौरव जोशी भी यहाँ पर आए थे इस मंदिर में दर्शन के लिए। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा मंदिर है और राजस्थान सरकार की ओर से पर्यटक क्षेत्र की में घोषित किया गया मंदिर है। और आप ये देख सकते हो माता जी के शेर और गाइज आप देख रहे हो ये मंदिर कुंजल माता मंदिर डे से ये वीडियो देख रहे हो। और गाइज आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख के और आप ये वीडियो देख रहे हो श्री कुंजल माता का मंदिर से वीडियो। बहुत ही आकर्षक और भव्य मंदिर है, मैं तो आपको ये सजेशन करूँगा कि आप एक बार ज़रूर मंदिर में पधारें। के पास में भी आपको ये अंदर की ओर ये मंदिर दिखाई दे रहा है गुफा की तरह। ये मंदिर है माता कुंजल माता की। यदि दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे हो श्री कुंजल माता के मंदिर की मंदिर के अंदर का दृश्य आप ये देख रहे हो अच्छी तरह से किस प्रकार से देवी की ये प्रतिमा आप बहुत ही आकर्षक भव्य मंदिर है। और इस मंदिर की बात करें तो आपको मैं बता देता हूँ जो प्राचीन काल में जो देवी जमीन के अंदर समय थी यहाँ पर ये मूर्ति थी। आप ये इस वीडियो में एकदम स्पष्ट देख सकते हो यही मूर्ति थी जो देवी जमीन के अंदर समा गई। क्योंकि आपको पता है कि जब देवी की दो बरातें आ गई थी तो आपको पता है कि खून खराबे होने की आशंका रहती है, इसलिए माता ने सोचा कि जमीन के अंदर ही समा गई ताकि किसी भी प्रकार का कोई खून खराबा नहीं हो। सामने वो पंडित जी खड़े हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि मंदिर के बारे में आपको खास जानकारी हमें भी बताना है ताकि मंदिर के बारे में जो भी जानकारी है आप तक पहुंच सके। के मंदिर मोहनलाल जी पारिक है मान दर्शन दिया पहली बहुत 1000 साल पुराना मंदिर है। 1000 साल पुराना मंदिर है फिर पर तो मोहनलाल जी पारिक ने दियो लाइव गाँव कने ना मैं गाँव का परसों दियो तो मंदिर भी बनाए कहीं मंदिर बनाए हुआ तो वो आद के माई जात रंग परसों जब मस रहे कोई तो आद बीमारी कष्ट मिटे जना माता की झाड़ू चाड़ू पड़े झाड़ू चाड़ ती सास फेरा देता ही बीमारी कष्ट मिट जाए कहीं मैन पद माँ उतर तेज का माता जी के बाल का जागरण लग गए तेज को मेड़ो भर जाए माँ उतरत है माँ का मायना है। 1000 साल बहुत पुराना है मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर है। पथ चुनना जी महाराज पुजारी आकर बाद मंगलाल जी ब्राह्मण शाश्वत ब्राह्मण वो परचो चाँद तेज को बहुत भिड़ो रहे खूब रहे गाँव है डे गाँव मंडल फुकराज रेवाड़ मोर जी फलोदा ये बहुत माँ की सेवा दे बैठे पौन दी दाइल का लक्ष्मण दी लंगा गांव का ये बहुत बहुत सेवा देवे बहुत बढ़िया बढ़िया माँ को फरसो है। मैं पंडित जी ये बताएंगे कि यहाँ पर जब कुंजल माता की शादी हो रही थी तब क्या ऐसा क्या हुआ था कि माता धरती के अंदर समाहित होगी, इसका क्या रहस्य और राज है, चलिए हम पंडित जी के मुख से सुनते हैं। दो बरात आ गई लड़की या कुंजल ने देखी शंकर भगवान की सेवा करती क्यों ये शंकर भगवान तू ही है जन धरती फाट गई जब भाई पल्ला पकड़िया क्यों ये मैया तू ही है जब धरती पल्ला फाड़ के जमीन में पल्ला फड़ गया क्या माए जन शंकर भगवान ला जा की दो बरात आ गई। गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि जब माता जी की शादी हो रही थी तब दो बरातें आ गई ये पंडित जी ने बता दिया क्योंकि आपको पता है कि दो बरातें आने से खून खराबे की शंका होती है, इसलिए देवी ने सोचा कि जमीन में समाहित हो गई। जब समाहित हो रही थी तब उनके भाई ने उनको पकड़ने की कोशिश की लेकिन माता तो नहीं
मिली, लेकिन उनकी जो चूनड़ी होती है वो हाथ में आई। उसी दिन से माता को कुंजल माता के नाम से जाना जाता है। गाइज, ये आप देख रहे हो प्रतिमा पीछे की ओर, देवी के जस्ट मंदिर के पीछे की ओर ये आप देख रहे हो जो प्रतिमा लगी हुई है, और ये आपको परिक्रमा देने के लिए। गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको मैं पंडित जी से पूछूंगा कि यदि कोई दूर दराज से या माता के जात्रु आते तो उनको रुकने की क्या व्यवस्था है। खाना पीना की सब व्यवस्था है, आराम रूम है, सब है, कोई दिक्कत नहीं है साथ के। गाइज, और हमें ये पंडित जी बता रहे हैं जो मंदिर की ओर से माता जी की जो डायरी होती है या किताबें होती है उनका संपूर्ण जानकारी आपको इस किताब के माध्यम से मिल जाएगी। यदि आप यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हो तो मंदिर की ओर से आपको निःशुल्क एकदम ले सकते हो। और ये आप देख रहे हो ये माता जी की प्रतिमा, और इसमें कुंजल 40 लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि माता कुंजल माता पारिकों की कुल देवी के रूप में पूजनीय है। माता जी के मंदिर के पास में भी एक और मंदिर बना है, भोलेनाथ शिव जी का मंदिर, क्योंकि आपको पता है कि माता जी भोलेनाथ शिव जी की भक्ति करी थी, इसलिए आज भी उनके पास में भी एक मंदिर बना हुआ है। और जो आप जो पीछे देख रहे हो, जो गाइस ये आप देख रहे हो जो खेजड़े बहुत ही पुराने है, जो उस समय के है जिस समय माता जी की दो बरातें आई थी इस गाँव में, इतने पुराने हैं। आप देख सकते हो आज भी खड़े है दो खेजड़े, एक तो ये खेजड़ा और एक ये खेजड़ा, जिस समय देवी माता की बरातें आई थी दो उस समय के थे। मंदिर के पास में भी एक और आपको मंदिर दिखाई देगा, जो चूना राम जी महाराज, जी हाँ दोस्तों, जो देवी के कुंजल माता के जो मुख्य पुजारी थे, इनकी आप जो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रतिमा मूर्ति लगी हुई है, जो ये चूना राम जी यही है जो जिस समय देवी प्रकट हुई थी उस समय मुख्य पुजारी के रूप में यही थे। और जो आप आसपास के ये नज़ारे देख सकते हो, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है, और यहाँ पर जो पानी की टंकी आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे कौवे यहाँ पर पक्षियों के लिए दाना चुगने के लिए देख सकते हो, मोर उस तरह पे मैं आपको वो भी बताऊंगा। यहाँ गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि पंडित चूनाराम जी महाराज के बाद में यही हुए थे जगदीश जी, आप जो उनकी आप तस्वीर देख सकते हो, और ये पंडित हुए थे सेकंड कुंजल माता मंदिर के पुजारी हुए थे। गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीछे मोर देख रहे हो कितने सारे, बहुत ही अधिक, कम से कम 50 मोर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यदि यहाँ पर 2 क्विंटल धान मोरों को उछाला जाता है, जो मोर आसपास के और भी पक्षी है, जो कीड़े चिड़ी कामेड़ी, उनको भी 2 क्विंटल प्रतिदिन यहाँ पर। और ये वीडियो देख रहे हो कुंजल माता दी मंदिर, आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भोजनशाला है यहाँ पर सभी जात्रु आते हैं, उनको प्रसाद दिया जाता है। और ये आप सामने देख रहे हो पंडित जी, यहाँ पर जो भी जात्रु आते हैं उनको यहाँ पर प्रसाद के तौर पर दुकान नहीं जाना चाहिए, जो भी आए यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ग्रहण करके ही जाना है। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर, आप देख सकते हो किस प्रकार से हमारे लिए प्रसाद लेकर आए है माता जी का, ये पंडित जी ने ये प्रसाद दिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको यहाँ पर जो भी जात्रु आते हैं उनको भूखे पेट नहीं जाना, ये यहाँ की आपको विशेषता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर हलवा और जो नमकीन टाइप के चिप्स बने हुए ये खाकर जाते हैं।
तो किस प्रकार से यहाँ पर जो भी यात्रु आते हैं उनको यहाँ पर जो भोजन परोसा जाता है और यहाँ पर जो हलवा पूड़ी और जो नमकीन चिप्स। गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार से मोर, बहुत सारे आपको असंख्य मोर देखने को मिल जाएंगे जो, और ये आप जो कमरे देख सकते हो यहाँ पर रहने की व्यवस्था लगभग और डबल है, और ये सिंगल आपको लगभग 70 की संख्या में। आप गाइज ये था मंदिर का ब्लॉग, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।